वेलकम टू ऑटोमोबाइल नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा में लॉन्च हुई नई स्कॉर्पियो एन के बारे में। इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे कि इसमें कौन सा इंजन आ रहा है, कौन सा गियरबॉक्स आ रहा है, कितने वेरिएंट में ये गाड़ी हमें मिलेगी और किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉर्पियो एन की डायमेंशन के बारे में। तो स्कॉर्पियो एन दो टाइप्स के होंगे, एक तो 17 इंच व्हील का और एक 18 इंच व्हील का। तो इसका हाइट होने वाला है जो कि 18 इंच का जो इसका व्हील आएगा उसमें 1870 mm इसकी हाइट होने वाली है और जो 17 इंच की व्हील होगी उसमें 1862 mm की हाइट होगी। और इसका व्हील बेस 2750 mm यानी 2750 mm की होगी और कुल गाड़ी की अगर लंबाई देखा जाए तो 4662 mm में होगी, यानी फ्रंट टू रियर बम्पर। और बात करें ट्रैक विड्थ की, तो ट्रैक विड्थ इसका 1580 mm है, आगे से भी और पीछे से भी 1580 mm ये इसका ट्रैक विड्थ है। और कुल गाड़ी की अगर चौड़ाई देखा जाए तो 2176 mm यानी पूरा ORVM लेकर के लेफ्ट ORVM टू राइट ORVM 2176 mm का। और बात करें स्कॉर्पियो एन में आने वाली कलर्स के बारे में, तो स्कॉर्पियो एन में टोटल 7 कलर आने वाले हैं। एक तो रेड रेज होगा, दूसरा एवरेस्ट वाइट, नेपोली ब्लैक, डार्जिलिंग सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, रॉयल गोल्ड, ग्रैंड कैनियन। ये 7 कलर की आने वाली है स्कॉर्पियो एन। और अगर बात करें स्कॉर्पियो एन में आने वाले वेरिएंट्स के बारे में, तो स्कॉर्पियो एन डीजल वेरिएंट ये रहा। इसमें कुल 5 मॉडल हैं, Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L यानी लग्जरी टॉप मॉडल Z8L है। जो Z2 है इसमें आपको 132 PS का इंजन मिलेगा और RWD यानी रियर व्हील ड्राइव और MT मैनुअल ट्रांसमिशन 7 सीटर। और यहीं अगर आप Z4 लेते हैं तो Z4 में आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक तो 132 PS इंजन और दूसरा 175 PS इंजन। अगर आप 132 PS वाले इंजन वाले लेते हैं तो उसमें रियर व्हील ड्राइव और मैनुअल ट्रांसमिशन विद 7 सीटर। अगर आप 175 PS वाले लेते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, रियर व्हील ड्राइव का और 4 व्हील ड्राइव का। रियर व्हील ड्राइव इसमें 80 आएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद 7 सीटर। अगर आप 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा 7 सीटर। और अब आ जाते हैं Z6 में, तो Z6 में सिर्फ आपको 175 PS का इंजन मिलेगा जो कि रियल व्हील ड्राइव होगा। इसमें आपको 7 सीटर में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन है इसमें Z6 में। और उसके बाद आ जाते हैं Z8 में, तो Z8 में आपको 175 PS का इंजन मिलेगा, उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा 175 PS में, रियर व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। अगर आप रियल व्हील ड्राइव लेते हैं तो उसमें 7 सीटर का 2 ऑप्शन है, मैनुअल में और ऑटोमेटिक में। और अगर आप 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो उसमें भी 2 ऑप्शन है, 7 सीटर में मैनुअल और ऑटोमेटिक। और अब आ जाते हैं Z8L, ये लग्जरी पैक होगा, ये टॉप वेरिएंट गाड़ी और टॉप मॉडल। इसमें आपको 175 PS का इंजन मिलेगा, इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेगा, रियर व्हील ड्राइव का या 4 व्हील ड्राइव। अगर आप रियर व्हील ड्राइव का लेते हैं
तो इसमें दोनों मिल जाएगा आपको, 6 सीटर एंड 7 सीटर, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। और आप अगर 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो इसमें 7 सीटर का दोनों मिल जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसी तरह आप आ जाते हैं पेट्रोल वेरिएंट में। पेट्रोल वेरिएंट में आपको 4 मॉडल आएगा, Z2, Z4, Z8, Z8L। इसमें Z6 नहीं आएगा। तो उसमें Z2 में आएगा 200 PS का इंजन, रियर व्हील ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन विथ 7 सीटर। Z4 में 200 PS का इंजन, रियर व्हील ड्राइव, 7 सीटर का दो ऑप्शन है, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। उसके बाद आ जाते हैं Z8 में, इसमें 200 PS का इंजन रहेगा, रियर व्हील ड्राइव, 7 सीटर का, इसमें भी दोनों ऑप्शन रहेगा, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। उसके बाद टॉप एंड में आ जाते हैं Z8L लग्जरी, इसमें 200 PS का इंजन आएगा, रियर व्हील ड्राइव, इसमें 6 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें भी 7 सीटर का ऑटोमेटिक और 6 सीटर का ऑटोमेटिक, यानी दोनों आएगा इसमें, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये रहे टोटल पेट्रोल वेरिएंट। और ये डैशबोर्ड स्कॉर्पियो एन में डुअल टोन डैशबोर्ड दिया गया है लेदर फिनिश के साथ, और ये बिल्कुल सॉफ्ट टच है, यानी पहले से बहुत बेहतरीन इसका डैशबोर्ड बनाया गया है विथ लेदर फिनिश। ये इसका रूफ व्यू है जिसमें आपको सनरूफ मिल जाता है और रूफ स्पीकर मिल जाते हैं इनबिल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डुअल फंक्शनल DRL सर्वर एस बोथ डे टाइम रनिंग लाइट, हाई इंटेंसिटी पार्क लैम्प लो इंटेंसिटी, यानी जब आप पार्क लैम्प जैसे ऑन करेंगे उसका इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉग लैम्प एंड कॉर्नरिंग लैम्प, सिक्वेंशियल टर्न लैम्प, सिक्वेंशियल यानी जैसा XUV 700 में दिया गया था सिक्वेंशियल, वैसा ही इस गाड़ी में स्कॉर्पियो एन में भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और ये रियर व्यू LED पार्क लैम्प, स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स लैम्प। ये फ्रंट ग्रिल विथ न्यू लोगो के साथ। ये 4 व्हील ड्राइव सिलेक्टेड स्विच है और विथ 4 मोड के साथ, इसमें 4 मोड ड्राइविंग कर दिया गया है जैसे कि XUV 700 में दिया गया था। और चारों मोड कुछ इस प्रकार है, नॉर्मल मोड, ग्रास, ग्रेवल, स्नो मोड, मड रट मोड एंड सैंड मोड, 4 ड्राइविंग मोड दिया गया है। और क्लस्टर मीटर में ये चारों का पॉपअप है, चारों मोड का पॉपअप, जिस मोड पे आप ड्राइविंग करेंगे उसका पॉपअप ये क्लस्टर मीटर में आएगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, जो कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ये कौन सा वेरिएंट में आने वाले हैं कि Z6 से Z8L तक 3 वेरिएंट में ये इंफोटेनमेंट आएंगे। और ये इंफोटेनमेंट ये भी 8 इंच का होगा, और ये इंफोटेनमेंट सिर्फ एक वेरिएंट में आएगा, Z4 में। और ये इंफोटेनमेंट बेस मॉडल में आएगा, Z2 में। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर Z2 और Z4 वेरिएंट में आएंगे विथ 4.2 इंच ड्राइव इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ।
और ये क्लस्टर मीटर Z6, Z8, Z8L में ये क्लस्टर मीटर आएंगे विथ 7 इंच इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ।